हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निबी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ना आज मौसम बहुत ज़्यादा चेंज है, मतलब कि अभी दो तीन दिन मतलब मौसम ऐसा हो रहा था कि अब गर्मी आ जाएगी, बट यहाँ का मौसम देखिए, यहाँ ना बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है। और दो चार ही मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पानी बहुत तेज़ से आने वाला है, बट अभी शुरू नहीं हुआ था, बस ऐसा मौसम था और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है। ये देखिए आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा टीन में पानी के छींटे। और तो बस मतलब ये था कि बहुत तेज़ आएगी बारिश, बट अभी शुरू नहीं हुई, सुबह का टाइम है। फिर थोड़ी देर बाद ना बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए पानी की बूंदें भी आप लोगों को दिख रही होगी और नीचे भी दिख रहा होगा। तो फिर आज क्या हुआ था, मैंने नाश्ते में पोहा बनाया और दी को जाना है तो पूड़ी बनाई कि वो भी खा लेंगी, थोड़ा पेट भर जाएगा उनका भी, क्योंकि पोहा मतलब ये था कि पोहा खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने बोला चलो पूड़ी बना देती हूँ आपके लिए। तो ये ना थोड़ा सा अच्छी नहीं बेल पाई थी, तो ये थोड़ा कम फूली है। तो फिर बस मैंने जल्दी से पूड़ी बनाई और एक साइड ना आलू भी बॉइल करने के लिए रख दिया था मैंने, ताकि पूड़ी बनते बनते ना आलू भी बॉइल हो जाए। और वो मतलब क्या होगा, मैं उन्हें सब्जी बना लूँगी, सूखी सी मतलब आलू और टमाटर हरी मटर आ ही रही है। तो मैंने पूड़ी बना के फिर उसकी सब्जी की तैयारी की, उसमें बस आलू भी बॉइल कर लिए थे और सारी चीज़ें मैंने जल्दी से इसका मतलब बनाई सब्जी, क्योंकि ये इसमें धनिया पत्ती बस डालना रह गया था क्योंकि लेट हो रहा था जाने को। तो फिर मैंने ये पूरी सब्जी बनाई ताकि हैवी सा नाश्ता हो जाएगा। बस फिर दीदी को महावर लगाया, क्योंकि महावर के बिना लड़के घर से विदा नहीं करते हैं। यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ क्या नियम है ना, ससुराल से भी अगर हम जाएंगे, जैसे मैं यहाँ से जाऊँगी तो महावर और मम्मी यहाँ से ओली डालती हैं, तो सेम ऐसे ही मायके से भी होता है, महावर टीका ओली, मतलब ओली में क्या होता है, सुख का सामान होता है जो भी आपको डालना हो। तो फिर बस ये महावर लगा दीदी को, और क्योंकि महावर टीका के बिना लड़कियाँ को विदा नहीं करना होता, महावर नन्नू को नीमी भी बैठी हुई थी, तो नीमी को मम्मी ने लगाया, मतलब इतने भी नहीं है लेकिन लगाया ताकि ये इसकी घुंघराले तो नहीं है, मतलब नानू के थे एकदम घुंघराले, क्योंकि यहाँ से उनके लॉस निकल रहे थे, तो उनको मतलब दीदी को वहीं पे ड्रॉप करना था उनके साथ। तो बस ये दीदी को महावर लग गया, फिर मम्मी ने ना दीदी को ओली लगाया, तो ओली डाली। तो इसमें क्या होता है, जो मीठा का डिब्बा है ना, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मीठा ही डालो, इसमें मेवे भी डाल सकते हैं। मेवे में जैसे पांच प्रकार का मेवा हो गया, या फिर शक्कर रख सकते हैं मीठे के नाम पर। और क्या होता है ना, जब नई नई शादी होती है ना, तो चावल की ओली डलती है, तो क्या होता है उसमें वाइट चावल, जैसे वाइट किसी भी शगुन वाली चीज़ों में सफ़ेद चीज़ नहीं यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे ना चावल को रोली में थोड़ा सा रंग के, जैसे घी में थोड़ा सा रोली डाल देते हैं, फिर उसमें चावल को मिक्स कर देते हैं ताकि चावल पूरे रेड रेड हो जाएं, तो फिर उसकी ओली भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लड़की की किस चीज़ की ओली डालना है। बाकी हमारे यहाँ जैसे मैं भी जाती हूँ ना, तो मम्मी यहाँ से जिस चीज़ मतलब यहाँ से ओली डालती हैं, फिर वहाँ से मम्मी भी ओली डालती हैं, जैसे मेवा की डाल देंगी, या फिर मम्मी यहाँ मेवा की, लड्डू की, मीठे की, मतलब किसी भी चीज़ की। बट लड़कियों को बिना ओली के नहीं भेजना होता है, ये सब शुभ शगुन माना जाता है। तो बस फिर दीदी की ओली डली और उन्होंने प्रणाम किया, चावल डाला भगवान जी को, और बस वो वहाँ से उठ गई। तो नीवी को भी शौक लग रहा था कि मैं भी भगवान जी को प्रणाम करूँ, तो वो देखो उसकी भी मस्ती चालू है, वो भी भगवान जी को प्रणाम करी। मम्मी ने उसे ना टीका लगाया, क्योंकि बच्चों को लगता है ना थोड़ा शौक, वो बहुत शौक से पूजा करती है प्लस टीका लगवाती है। ये देखिए प्रणाम कर रही है, झुकने में भी डर लग रहा है उसे। फिर बस दीदी जा गई, फिर दीदी भी नीचे गई और मम्मी नीचे जा चुकी थी और नानू भी गई थी, मम्मी दीदी नानू और भैया सब दीदी को ड्रॉप करने गए थे। और ये बाय कर रही है दी, अब आएगी, जब तक रही हूँ तो कुछ मतलब नहीं रहा बुआ, चलो जा रहे हो, चलो अच्छे से जाना। बुआ से बाय कर लो, दीदी देख रही है आपको, बाय करो,
बाय 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 फिर बस दीदी भी बैठ गई थी गाड़ी में, बारिश शुरू हो रही थी वापस से, तो फिर बस दीदी भी बैठी, नानू बोली मैं सामने बैठूंगी, फिर नानू को बैठाया, दीदी पीछे साइड बैठी और नीवी ना आप लोग ने उसकी आवाज़ सुनी ही होगी, तो बस वो भी मस्ती कर रही थी ऊपर देखकर। और फिर जब दीदी जितने दिन भी रही है ना वो अच्छा दीदी के पास खुश मन से नहीं गई है, मतलब जब भी दीदी उसे ली है तो बस वो गोदी में रहती थी बट खुश से नहीं रहती थी, बस उसको मम्मा दादी मम्मा दादी दादू, मतलब उसके मुंह पे मतलब मम्मा रहे या फिर दादी कोई ना कोई उसे और ले ले, बट वो उसको बुआ के पास नहीं जाना होता था। अब दीदी चली गई है तो वो बुआ बुआ चिल्ला रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर बस हम लोग खड़े रहे, निवी देख रही थी अंदर नहीं जाने दे रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो मतलब वो गाड़ी बैक होकर चली जाए वापस से तो फिर मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि छोटी है ना फिर रोती है, नानू भी सामने बैठी हुई थी ना तो उसकी बार बार नज़र वहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार देख ले छोटी है अभी, तो फिर मैंने उसे बस बाजे पर लेकर खड़ी थी। फिर जब चले गए तो फिर जब बैक हो गई गाड़ी, जब उसे गाड़ी नहीं दिखी तब उसे बिलीव हुआ कि हाँ भाई कोई चला गया। फिर क्या हुआ था ना, नानू भी नहीं थी तो वो थोड़ा रो रही थी, दीदी मतलब पीपी, दीदी पीपी कर रही थी, मतलब दीदी पीपी से चली गई। फिर बस सबके जाने के बाद मतलब दीदी जब चली गई ना तब फिर मैं आ गई अंदर, फिर मैं अंदर आई, सबके जाने के बाद घर क्लीन नहीं करना होता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बॉटल वॉल्ट कर लूँ, तो फिर मैंने वो किया। फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला एनिवर्सरी में, तो फिर चलिए मैं बता। सो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं ऊपर, तो मैंने सोचा कि अब मुझे मतलब कि मुझे क्या गिफ्ट मिला, मुझे दीदी ने और मम्मी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मुझे मिला है ये सूट जो कि सिनी दी ने दिया है, और मैंने सोचा है कि मैं किसी दिन इसे वेयर करके वीडियो बनाऊंगी, सोचा है अब देखिए पूरा हो जाए, क्योंकि ना जब ऊपर से आओ ना यार मुझे चेंज करने में बड़ा मतलब एक होता है ना यार कि आलस सी आ जाती है कि कौन चेंज करे, तो बस वही हेडेक है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सूट वेयर करके आप लोग को वीडियो मतलब आप लोग के पास वीडियो शेयर करूँ। तो ये है सूट, ये फ्रंट और ये है बैक, और इसके साथ है पैंट प्लाजो, ये प्लाजो नहीं है बेटा पैंट है, साइड से कटा है ना मम्मा, ऐसे ही दिख रहा है ये फटा है, ये डिजाइन फटा नहीं है, डिजाइन है, उसे लग रही है फटा है, डिजाइन है ये। तो बस मतलब सोचा तो है कि वेयर करके मैं वीडियो शेयर करूँगी, और मम्मी ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, दीदी का भी गिफ्ट प्यारा था। तो ये है बिछिया, दिखाती हूँ एक सेकंड, बड़ी दादी बड़ी दादी ये है बिछिया, इसका पेयर कितना लग रहा है, ये कितनी क्यूट बिछिया, एक सेकंड इतना साइन कर रहे हैं ना तो आप लोग को डिजाइन नहीं समझ में आ रही होगी, दे वाली दे दो एक सेकंड रुको नानू। और एक पेयर ये दिया है क्योंकि ना कई लोग होते हैं ना जो कि मतलब दो फिंगर्स में बिछिया पहनते हैं, बट ना मुझे ना मैंने मतलब शादी जब हुई थी ना तब मैंने तीन बिछिया तीन का पेयर पहना था, मतलब टू फिंगर कैसे बताऊँ, वो जो सेट वाली आती थी ना वो मैंने पहनी थी शादी के समय, बट उस समय से आज तक सिर्फ एक बिछिया पहनती हूँ, और कई लोग की आदत होती है हैबिट में आ जाता है उनकी दो दो बिछिया पहनना, बट मुझे ना रिलीफ नहीं मिलता अगर मैं दो बिछिया साथ में वो जो फिंगर्स में पहन लेती हूँ, इसलिए मैं एक एक बिछिया डालती हूँ। तो एक बिछिया ये है, ये भी बहुत प्रिटी है, छोटू सी है, स्मार्ट सी, ऐसी बिछिया ना आप कभी भी नोटिस करना सूट के साथ बहुत प्रिटी लगती है ऐसी बिछिया,
और ये जो थोड़ी बड़ी वाली बिछिया है ना, तो ये शादी वादी या फिर कुछ फंक्शन वगैरह होते तब भी स्मार्ट लगती है। और ये छोटी बिछिया में क्या होता है ना, कंफर्ट रहता है डेली यूज के लिए। तो फिर मैं ऐसी बिछिया भी, मतलब मुझे ना बिछिया का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं पहनती रहती हूँ बदल बदल के। और ये तो मम्मी ने दी है, तो देखती हूँ किस दिन पहनती हूँ। मम्मी अभी ये दिखा दो क्या मम्मी। और ये है नानू की साइकिल, इसमें क्या था ना, इसमें टॉफियाँ थी, तो नानू ने टॉफी खा ली। नानू ने आपको गिफ्ट दे रहे हैं। और ये बोल रही है मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, तो इसे भी दिखा दो। और फिर मम्मी ने दिया है ये कंगन, बहुत प्रिटी है ये भी। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली और बहुत इंजॉय किया मैंने अपना ये सब गिफ्ट मुझे अभी मैंने बताया था एनिवर्सरी में मिला था, और मैंने बहुत इंजॉय किया। हम लोगों ने जो भी किया था आप लोगों के साथ वो भी मैंने शेयर किया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाय बाय। और जिन्होंने मुझे इतने सारे गुड विशेसेस दिए उनके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।